सोनाली बेंद्रे की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई खबर आती रहती है और हर खबर अब तक फैंस को दिलासा देती रही कि सोनाली कैंसर से अपनी जंग बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ रही हैं और जल्द ही वो ठीक होकर वापस आ जाएंगी। सोनाली भी टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ के बारे में सोशल मीडिया पर अपडेट देती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोनाली को लेकर एक खबर तेजी से फैल रही है, वो ये कि सोनाली अब नहीं रही। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो कई लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दे दी। अब क्या है इस खबर की सच्चाई, वो बताते हैं। दरअसल सोनाली बेंद्रे के निधन की खबर से जिन्होंने अफरा तफरी मचाई है वो है बीजेपी के विधायक राम कदम। मुंबई के घाटकोपर विधानसभा के विधायक राम कदम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि सोनाली बेंद्रे का निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि विधायक को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि हिंदी और मराठी सिनेमा पर राज करने वाली और सबकी चहेती सोनाली बेंद्रे नहीं रही। इस ट्वीट के बाद उन्हें खूब ट्रॉल किया गया। ट्रॉल होने के बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट पर माफी मांगी और लिखा कि ये एक अफवाह है, मैं उनकी अच्छी सेहत और स्वास्थ्य में जल्द सुधार के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैसे बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखकर यह भद्दा ट्वीट करना विधायक के पद पर होने के बाद शोभा नहीं देता। खैर जो भी हो, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि सोनाली बेंद्रे जल्द से ठीक हो जाएं और उनके फैंस को भी पूरा विश्वास है कि वो ठीक होकर जल्द ही वापस लौटेंगी।